हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट नौकरी चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपसे बात करेंगे सब कुछ सही बनाने के बाद क्यों हो रहे हैं बच्चे फेल, वजह जानिए फेल होने की। जी हाँ दोस्तों, क्या वजह है जिसकी वजह से हमारे सभी बच्चे जो काफ़ी मेहनत करने के बाद, काफ़ी जो एक्सपीरियंस होने के बावजूद जो है ट्रेड टेस्ट में फेल हो जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ग्रुप सी के जो लिलुआ यानी आसनसोल और हावड़ा में जो सेंटर है वहाँ पर जो बच्चे जो इस समय जा रहे हैं और काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, उसके बावजूद भी उन्हें भी नहीं पता होता किस वजह से जो उन्हें फेल कर दिया जा रहा है, डिसक्वालीफाई कर दिया जा रहा है, उसकी सारी वजह हम बात करेंगे आज इस वीडियो के अंदर। जी हाँ दोस्तों, आज का इस वीडियो में हम आपको एक्सपीरियंस भी बताएंगे, क्योंकि आज हमारा जो एक्सपीरियंस वीडियो है वो हमारे स्टूडेंट से हमने बात किया, वो स्टूडेंट जो है पास होते होते हुए लास्ट स्टेज में जो है फेल हो गया और उन्होंने बताया हमें कि पूरी कहानी कैसे सर बच्चों को जो है सेलेक्ट किया जा रहा है, क्या जो है उनका दृष्टिकोण है बच्चों को लेकर पास होने के लिए और फेल होने के लिए। तो हम सब कुछ चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इस वीडियो को। उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने स्मार्ट नौकरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्मार्ट नौकरी चैनल पर आपको लेटेस्ट अपडेट हमेशा सबसे आगे मिलती है दोस्तों। और RPF एनसीलरी कांस्टेबल का जो ट्रेड चल रहा है उसका पूरा एक्सपीरियंस वीडियो हम आपको स्मार्ट नौकरी चैनल पर प्रोवाइड करा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज मैं आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता देता हूँ जो मैं हमेशा बताता हूँ एक बार फिर से, कि सबसे पहली चीज़ आपको जो है लेके जाना है आपको ट्रेड के लिए आपका एडमिट कार्ड। जी हाँ दोस्तों, आपका एडमिट कार्ड आपके पास सबसे पहली चीज़ होनी चाहिए। नंबर दो पे आता है आपका जो है आईडी कार्ड। जी हाँ दोस्तों, आईडी प्रूफ आपका होना बहुत अनिवार्य है और आईडी प्रूफ में आपको आधार कार्ड ही लगेगा दोस्तों। आधार कार्ड के सिवा अगर आप कुछ अलग ले जा रहे हैं पैन कार्ड तो वैलिड नहीं माना जा रहा है। आपको लेके जाना होगा DL यानी ड्राइविंग लाइसेंस या वोटिंग कार्ड, जो आपका इलेक्शन का पहचान पत्र होता है, या फिर आपको वापस आधार कार्ड पर ही आना होगा, या फिर उसकी स्लिप भी अगर आपने अप्लाई किया है तो एक स्लिप मिलती है दोस्तों, तो वो भी अगर आपके पास है जनरेट की हुई तो अभी आप जा सकते हैं। नंबर आ जाते हैं हम नेक्स्ट राउंड के लिए। नेक्स्ट चीज़ क्या है हमारा, जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र में उन सभी के लिए जो सिर्फ जाति से बिलोंग करते हैं, यानी कि जो SC ST OBC EWS जिन्होंने कैटेगरी में अप्लाई किया, ये अनरिजर्व के लिए नहीं है, तो इनका एक सर्टिफिकेट ये भी लेके जाना होगा आपको। तो ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन में आपको साथ में कैरी करना है। दो पासपोर्ट टाइप फोटो, वो भी रंगीन में दोस्तों, जो हाल ही में खींचा गया हो। अब आ जाते हैं हमारे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, यानी कि सबसे जब हम पहुंच जाते हैं हमारे ट्रेड सेंटर पे, यानी कि आसनसोल हो चाहे आपका हावड़ा हो, जब आप सेंटर पे पहुंच जाते हैं तो वहां पे बच्चों को एक लाइन से खड़ा करके जो है अलग अलग डिवाइड में बांट दिया जाता है 20-20 बच्चों के ग्रुप में। अब 20-20 बच्चों के ग्रुप में जब बांट दिया जाता है तो उसके बाद क्या किया जाता है, बैच नंबर एक दे दिया जाता है कि बैच नंबर 1, बैच नंबर 2, बैच नंबर 3, बैच 4, बैच 5, 6, 7, 8, 9, जैसे प्रकार स्टूडेंट्स होंगे लगभग 300-350 बच्चे जो है रोज प्रेजेंट हो रहे हैं, क्योंकि ग्रुप सी में आपको पता है कि वैकेंसी ज़्यादा थी तो इसलिए कैंडिडेट भी ज़्यादा पास हुए थे, तो वहाँ पर संख्या भी जो है हमेशा स्टूडेंट्स की बढ़कर है। तो वहाँ पर जब आप डिवाइड हो जाते हैं उसके बाद जो है कोई कांस्टेबल है वो आपको बैच वाइज बुलाया जाएगा, तो 20 बच्चों का जो बैच है वो एक जाएंगे हॉल के अंदर, वहाँ पर आपको एक टेबल दिया होगा, एक टेबल पर दो बच्चे यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार जो है नंबर देके एक एक हो जाएगा। अब हर टेबल के पास में यानी कि एक थोड़े से दूरी पर एक कांस्टेबल खड़ा रहेगा, उसके बाद आपको दिया जाएगा बर्तन। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बुलाया जाएगा कि एक एक कटोरी आप लेकर आइए, वहाँ पे आपके जो है टेबल पे कटोरी रखी होगी, आप कटोरी लेके जाएंगे, वहाँ पे आपको एक आटा होगा, कांस्टेबल होगा जो आपको आटा देगा एक कटोरी में आपके। जी हाँ दोस्तों, वो अप्रॉक्सीमेटली 100 ग्राम के आसपास में माना के चलिए आप, क्योंकि उसका वजन किसी ने नहीं किया, लेकिन हाँ कि अप्रॉक्सीमेटली वो 100 ग्राम के आसपास में आपको आटा देता है। अब उसी आटे से आपको आटा को जो है सानना है, यानी कि एक रोटी बनाने के योग्य जो है आपको आटा दिया जाता है, उसी से आपको एक रोटी बनानी है। तो अब ये चीज़ है, अब इसमें काफ़ी कम से कम मैं तो बताऊँ दोस्तों कि इसमें कम से कम 70% लोग, जी हाँ दोस्तों, 70% स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट राउंड में फेल हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट राउंड यानी कि आपके इस आटा सानने के से लेकर ही रोटी बनाने के ही इस पहले प्रोसेस में ही आपके कम से कम जो है 70% लोग जो है फेल हो जा रहे हैं। अब इसकी वजह यह है कि आपने जो है प्रैक्टिस अच्छी नहीं की है। अगर आपने प्रैक्टिस अच्छी की है तो आप कम समय में जो है यहाँ पे दे देंगे। और साथ ही दोस्तों एक चीज़ बता दूँ कि कहीं कहीं पर जब कभी कभी समय जो है 1 मिनट 20 सेकंड का दे रहे हैं तो समटाइम्स ऐसा हो रहा है कि आपको समय की अनलिमिटेड है, यानी कि आप अपने हिसाब से समय लेकर कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी जो है स्टूडेंट ने ऐसे बताया कि सर हमें समय की पाबंदी नहीं थी, और कुछ स्टूडेंट बता रहे नहीं सर हमें समय की पाबंदी है। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि कभी कुछ बच्चों के लिए समय की पाबंदी है तो कुछ बच्चों के लिए समय की पाबंदी क्यों नहीं है। ये चीज़ें हो गई क्लियर। अब जब आप फर्स्ट राउंड पास कर लेते हैं तो आ जाते हैं आप सेकेंड राउंड में। सेकेंड राउंड में होता है आपको क्या कि आपको दिया जाता है लौकी काटने के लिए, उसे टिंडा वगैरह जो भी उनके बंगाली लैंग्वेज में कहा जाता है, लेकिन आपको जो है दी जाएगी लौकी। अब उसे कहा जाएगा कि आप उसे काटिए। अब आपको सब्जी काटना, यानी कि लौकी एक सब्जी ही है,
लौकी को कुछ इस प्रकार से काटना है, अब उसका कटिंग कैसे होता है वो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, उसे हमेशा जो है स्क्वायर के हिसाब से काटा जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा आप कुछ लोग क्या करते हैं आलू जैसे काटा जाता है, कभी प्याज काटते हैं कुछ गोल टाइप, ऐसा कुछ नहीं काटना है आपको, स्क्वायर की तरफ से काटना है, क्योंकि लौकी हमेशा जो है स्क्वायर के रूप में ही काटी जाती है। तो आपको ये हो गया आपका टेस्ट नंबर टू। नंबर तीन पे आ जाते हैं हमारे बैगन की सब्जी बनाना। बैगन की सब्जी बनाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें लगी रहेंगी वो आपसे पूछेंगे कॉन्स्टेबल, जो आपके पीछे कॉन्स्टेबल खड़ा रहेगा वो आपसे पूछेगा आपने इसमें क्या क्या कौन कौन से मसाले डालने हैं। तो आप अगर ये कहते हैं कि सर आप कोई भी मसाला यूज़ कर सकते हैं हम, तो ऐसा नहीं होता दोस्तों, क्योंकि आपको पता है चिकन मसाला, वेज मसाला, नॉन वेज मसाला, ये सब अलग अलग प्रकार के मसाले होते हैं। आपको प्रॉपर नाम लेके बताना होगा कि हाँ इसके लिए मुझे ये मसाला, तो इसके लिए आपको क्या है प्रॉपर मसालों का नाम जो है बताना पड़ेगा। तो जब आप प्रॉपर मसालों का नाम बता देंगे तो कांस्टेबल आपको जो है वहाँ पे वेरीफाई कर देगा। वेरीफाई का मतलब यहाँ पर ये है कि आपका जो नॉलेज है खाने को लेकर बनाने की वो चीज़ प्रॉपर है। अब आ जाते हैं हमारे नस जो इसका अगले राउंड है, वो अगला राउंड ये है आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ओरली कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि आपसे पूछा जाएगा कि आपने सब्जी में कितना तेल मात्रा डाला, आपके सब्जी में तेल की मात्रा ज़्यादा है या कम है, कि आपने रोटी जो है अच्छे से कैसे साना, उसके बाद उसका सफाई का लेवल है। जी हाँ दोस्तों, सफाई जो है सबसे खास चीज़ जो है यहाँ पर फोकस किया जा रहा है सफाई का। आप सभी को पता है देश में समय सफाई को लेकर काफ़ी जो है लोग जो है उत्कृष्ट काम कर रहे हैं, उसी प्रकार आपको जो है खाना बनाने यानी किचन में भी सफाई को ज़्यादा ज़्यादा अहमियत दी जाती है। नंबर दो की बात करें कि जब सलाद काटने को दिया जाता है या सब्जी काटने को देता है तो उसे प्रेजेंटेशन यानी प्रेजेंटेशन कैसे कहते हैं, जिसे प्लेट में सजा कर जो देते हैं वो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो हमारे काफ़ी बच्चे जो है सब कुछ बनाने के बाद क्यों फेल हो जा रहे हैं, तो उनमें से हमने आज जो बात की है हमारे स्टूडेंट ने हमें बताया कि सर जैसे कि आपने सब्जी वगैरह सब कुछ बेस्ट बना लिया, उसके बाद जब मैंने आज सर से पूछा, क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, उन्होंने आज बात किया कि सर मैं फेल हुआ हूँ तो आप मुझे कम से कम एक रीज़न तो दीजिए कि मेरी गलती कहाँ है, आपने मुझे फर्स्ट राउंड में पास किया, सेकेंड में पास किया, थर्ड में पास किया, तो फिर मेरी गलती कहाँ है जो आप मुझे लास्ट में कह रहे हैं कि आप जा सकते हैं आप डिस्क्वालीफाइड हैं। तो उन्होंने बताया कि सर कि मैंने जब बात किया तो उन्होंने मुझे बताया कि सर आपका जो है सब्जी में जब आप कटोरी में लाके हमें प्रेजेंट किए थे, हमने जब उसे टेस्ट किया तो सब कुछ ओके था, लेकिन जब वो सब्जी को हमने उसका जो ग्रेवी होता है जब उसको हटाया तो देखा प्लेट में सिर्फ तेल ही तेल यानी ऑयल की मात्रा ज़्यादा हो गई, तो ये चीज़ हो गई गलती, तो जिसकी वजह से इनको डिस्क्वालीफाई होना पड़ा। जी हाँ दोस्तों, लास्ट राउंड में जब कोई डिस्क्वालीफाइड होता है उसे कितनी तकलीफ होती है ये आप समझ सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट राउंड की कि क्या दूसरी वजह है। दूसरी वजह यह है कि जब आप सलाद काटते हैं तो उसका जो छिलका है वो आप क्या करते हैं नीचे फेंक देते हैं, उसे मत फेंकिए दोस्तों, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है। लोगों को जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया जा रहा है इसलिए कि आपने जो है सलाद तो सब कुछ सही काटा, उसको प्रेजेंट भी अच्छा कर दिया, लेकिन आपने जो है गंदगी पर ज़्यादा जो है जोर नहीं दिया, यानी कि गंदगी को हटाने की ज़्यादा जोर नहीं दिया, आपने क्या किया बस काटा उसका जो छिलका है उसका नीचे के डस्ट के जो है वही नीचे टेबल के पास फेंक दे रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको जो है नोटिस करनी है दोस्तों। और दूसरी मैं बात बताऊं दोस्तों कि जो हमारा जो एक्सपीरियंस है जो आज हमने पास और फेल हुए दोनों बच्चों के एक्सपीरियंस को जो है कंबाइन यानी मर्ज करके जो हमने रिजल्ट एनालिसिस किया वो ये है कि उन्होंने जो है टारगेट करके लिया है दोस्तों कि किस बच्चे को पास करना है और किस बच्चे को फेल होना है, क्योंकि हमारा कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो प्रैक्टिस करके नहीं जा रहा है। आप सभी को पता है कि इतने लंबे सफ़र में यानी लगभग 2 से 3 हज़ार रुपये का अपना इंसान खर्च करके इतने लंबे समय से प्रैक्टिस करके उसके बाद वहाँ जाता है और सिर्फ उसे निराशा हाथ मिलती है, उसके बावजूद भी जो वीडियो देखते हैं जो जानते हैं सब कुछ, उसके बावजूद जो बाकी के स्टूडेंट हैं उनमें भी इतनी लगन प्रतिष्ठा है वो वापस जो है जा रहे हैं वहाँ पर एग्ज़ाम के लिए। ऐसा नहीं कि देख रहे हैं कि यहाँ पर 700-800 स्टूडेंट में से मात्र 10 से 15 बच्चे लोग जो पास हो रहे हैं, यानी कि इतनी बड़ी मात्रा में लोग फेल हो रहे हैं उसके बावजूद जो है स्टूडेंट की संख्या कम नहीं हुई, क्योंकि उनकी मेहनत और लगन जो है उन्हें हारने पे मजबूर नहीं करती। इसलिए दोस्तों मैं आपसे कहूंगा कि आप भले ही आपका जो है भी नेक्स्ट वीक में हो या नेक्स्ट डे हो आप भी जाइए दोस्तों, माना कुछ गलतियां हैं आरपीएफ में लेकिन उसको हमारे बस में नहीं है, हमारे हाथ में ये है कि हमें अपनी मेहनत पे जोर देना है। माना कि लोग की संख्या कम है पास होने की लेकिन संख्या पास हो रहे हैं, यानी 400 बच्चों में से अगर 10 बच्चे ही पास हो रहे हैं तो उन 10 बच्चों में भी आप आ सकते हैं दोस्तों। इसलिए हिम्मत मत हारिएगा, आप सभी लोग जाइए, ज़्यादा कोशिश कीजिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस खींच रहे हैं बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में हैं, और उम्मीद करते हैं दोस्तों जो जितना मेहनत करता है उसका फल उसे मिलता है। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, अपने नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कुछ नई अपडेट और कुछ नए एक्सपीरियंस के साथ। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।